राधे राधे दगड़ी मैं गणेश बीज गंगोली आठ उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़ियो, दिन के बजने वाले हैं 10 और आज अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज सुबह से ही धूप छांव वाला मौसम है, कल जो धूप थी ना चटक वाली, आज थोड़ी सी उसमें जो है सूर्य देवता मेहरबान है या बादल देवता कुछ सूरज के करीब आसपास भटक रहे हैं। वहीं जो है इनका जो है हो चुका है नहाना धोना। हेलो हेलो दगड़िया, अभी ये कुछ बोलने के मूड में नहीं है और हम दोनों को जो है कल से ना जुकाम लगा हुआ है, गले में भी दर्द है इसके। तो दगड़ियों थोड़ा सा आराम है आज? हाँ इसका आराम है, पर अब इसने जो है मेरे को छिलका दिया है भयंकर, गले में ऐसा हो रहा है ठंडपन, थूकने उनमें दगड़ियों जनी भयंकर कौज फाड़ देनी हो उसे जनी। और मौसम की बात करें तो ये देखो बादल, आजकल सूरज जो है यहाँ से उगता है, ये सर्दियों में सॉरी इधर से उगता है सूरज, और बादल लगे हुए हैं। अभी भी कुछ देर पहले छांव आ गई थी, एक बार फिर से जो है धूप आती हुई हल्की हल्की। दगड़ियों ना आज से हम अपने ब्लॉग में एक नई चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। अब से जो भी आप लोग कमेंट करोगे हम अगले दिन उस कमेंट को लेंगे और ब्लॉग में उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक कमेंट आई हुई थी लड्डू गोपाल शॉर्ट से वीडियो करके कि आपकी बीवी बिना मेकअप के करके कैमरे से नहीं आती क्या? नहीं आती क्या कैमरे में? मोतियाबिंद हो गया उसकी आंखों में। दगड़ियों ऐसा नहीं है, मेकअप बहुत कम करती है। मैं ऐसा पति हूँ शायद जिसकी बीवी कम ही मेकअप करती है। क्रीम पाउडर खर्च तो बच नहीं आ रहा लगाती है, मतलब जब कहीं इधर उधर जाती है घर न करें दगड़ियों कमेंट बिल्कुल कम, बिल्कुल कम क्या ना के बराबर मेकअप करती है। घर में तेल लेना आ लेने आ रहे हो, कहीं कहीं दिन ऐसा हो जाता है तेल ले क्या ना डालें, क्रीम पाउडर खर्च बच रहे हो और क्या ना। दूसरा कमेंट है दगड़ियों एक ललित मोहन बटोला जी हैं और वो बोल रहे हैं कि नामकरण कब होने वाला, कब होने वाला नामकरण, खुशखबरी कब दे रहे हैं दगड़ियों? जल्दी ही शायद आपको खुशखबरी मिले दगड़ियों। आज जो है हम लंच में बनाने वाले हैं भटके डुबके, यानी कि भट्टी भट्टी पाकने वाले से इसने जो है भट हट जो है भिगा दिए थे, कभी भीग गए हैं क्या भट दगड़े? मिस्की यार मिक्सी हमारी जो है मिस्की सॉरी यार मिक्सी यानी कि ग्राइंडर हमारा खराब हो चुका है, तो आज हम उसको जो है पहाड़ी स्टाइल में बनाने वाले हैं बिल्कुल सिलबट्टे में, सिलबट्टे में पीस के चाओ चाओ चाओ। कुछ देर बाद करते हैं, पहले मैं नहा लेता हूँ यार, क्या डारे दगड़ियों मैं पछुना बास भयंकर। आज फाइनली ससुराल से आने के बाद ये भी दगड़ियों नहा दोगे, देखो चमक रही है। कल नहाया परसों सब झूठ है दगड़ियों, आज नहाया इसमें चार दिन के बाद आज देखो भयंकर हुआ। बाकी तबीयत तो खराब है यार दगड़ियों, कुछ देर बाद नहा के मिलते हैं ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वे भी बस तो आज मैं मिलाती हूँ आपको एक चाचा से जिनके घर में लक्ष्मी आई है। कैसा चिता रहे हो? फिर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो दोस्तों गांव में अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही चाहते हैं कि उनकी बहू का मतलब उनके लड़के का पहला जो पहली औलाद हो वो लड़का हो, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि पहले लड़की आनी चाहिए। आपका मानना क्या है चाचा जी? अपन लड़कियों की लक्ष्मी है, लक्ष्मी होती है ना, लेकिन अभी भी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि लड़का हो लड़का हो? ऐसा कुछ नहीं है, है ना? सोच आदमी अलग अलग ठीक है ना। हाँ। किसी लड़की लड़की होती है, किसी की लड़की लड़की होती है, उसमें उसमें क्या है? वही तो, लड़का लड़की, लड़की समान है, वैसे भी एक समान है। सुदन साइड में देखा केरला साइड में, अगर दो बच्चे हो गए चाहे लड़का हो लड़की हो वो ऐसा कुछ नहीं। सही बात, ऑल इंडिया घूमे ना, आर्मी से रिटायर हो गए ना। बताओ फिर क्या करते थे आप, कौन सी पोस्ट में थे? मैं एमी में था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अच्छा अच्छा, मैकेनिकल एमी बोलते हैं ना, आर्मी का जितना इक्विपमेंट होता है ना इसका रिपेयर इंस्ट्रक्शन और रिकवरी हम करते हैं। सब रोलर पाले हुए। तो दोस्तों मेरा मानना भी यही है कि पहला मतलब लड़की हो या लड़का दोनों एक समान होते हैं। अभी भी लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लोग बहुत कहते हैं कि लड़की नहीं लड़का चाहिए। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो सब मुझे यही आशीर्वाद देते हैं कि पुत्रवती भव, लेकिन कोई यही नहीं कहता है पुत्रीवती भव। तो दोस्तों मैं अपने पति से जानना चाहूंगी कि वो क्या, उनको क्या चाहिए? आप क्या, आपकी क्या सोच है इस मामले में?
किस मामले में? लड़का लड़की जो हो जाए यार, भगवान का मतलब भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, लड़का हो लड़की हो ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए, दोनों समान है आजकल बैंकर, लड़कियां जो अच्छी होती हैं आजकल गड़े हो, लड़कियों के लिए सरकार भी काफी सेवाएं दे रही है बैंकर, वहाँ कन्या जनधन वहाँ स्कूल में कई कई सारी चीजें जो है लड़कियों के लिए, लोगों के लिए क्या मिल रहा है यार, क्या नहीं पे तो गड़ी हो हमारे खत्म से है क्यों? तो दोपहर के बजने वाले हैं 11 और हमारे खाने की भी तैयारी होने वाली है, पतिदेव जी पीस रहे हैं यहाँ पे भट, आज हम भट के डुबके बनाएंगे, पीस रहे हैं, पहले दोस्तों मैंने ट्राई किया मुझसे हुए नहीं, अब ये कर रहे हैं मेहनत। मिक्सी में थोड़ा अच्छे से पीसते ना ये। चूल्हे में हमारी आग जो है जल चुकी है और वहीं इसका भी किस चीज का है रे मिक्सर? चावल का आटा और भट्ट। चावल का आटा और भट्ट, इसमें जो है पानी इसको एक घंटे तक पकाएंगे हम, रख डाल दो ना। ये जाता हुआ दगड़ियो कढ़ाई में, मम्मी से फोन करके पूछा है अभी मैंने कैसे बनाते हैं। अब दगड़ियों ये 2 घंटे के करीब पकेगा। तो 1 घंटा हो चुका है, फाइनली तैयारी हो गई है अब अपनी, डूब के तैयार होते हुए, हमारे वहाँ भट्टी बोलते हैं इसको, इसके इसकी जो है टपकी की तैयारी होती हुई है, होती हुई आलू और मूली की। वाह बोलना तो दगड़े भटके डोके रेडी होते हुए, अभी इसमें लगता हुआ तड़का लहसुन का तड़का, बोले तो 1 बजने वाले और भोजन अपना रेडी हो चुका है, भटके डुबके टपकी और भात। दोस्तों फाइनली हमारा खाना पीना हो गया, मेरे पति को शुरू तो है तो दोस्तों मेरे पति को डुबके इतने पसंद आए कि वो कढ़ाई में टूट पड़े। इससे पहले इतने स्वादिष्ट डुबके कहीं खाए तुमने? मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है। दगड़े 3 बजने वाले हैं और खाना खाने के बाद मैं तुरंत आ गया था क्योंकि बारिश वाला मौसम हो गया था, आज जो है यहाँ भी थोड़ा सा सामान सुखाने के लिए बाहर डाला था, वो सब उठा लिया है अभी और मौसम बन रहा है बारिश का, वो वहाँ को बारिश शुरू भी हो गई है, वो फिर पिथौरागढ़ साइड को तो अभी नहीं हुई है, पर मौसम ये देखो तगड़ा वाला बन रहा है, होप की बारिश हो, बर्फ ही ना होनी यार दगड़ियों, परसों रात में हुई थी तगड़ी वाली बारिश, उस दिन से दिन में बहुत गर्मी है बारिश नहीं होने के कारण ना, पाल लगी है यार आज। ये रिंडल दगड़ियों फिलहाल दुकान में ही है, ठंडी ठंडी हवाएँ शुरू हो चुकी, आओ चलिए तो बर्फ ही नहीं होगी यार, क्यों दगड़ियों तो फाइनली दगड़ियों 9 बजने वाला है और हमारा खाना पीना भी हो गया है, हम दोनों की तबीयत भी आज ख़राब है, उनका भी गला मतलब बंद हो गया है, मेरा तो अच्छे से ही हो रखा है, तो अब कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट भी करना, आपको कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। बाय बाय।